हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी, अपना फिफ्थ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप इसके पहले के वीडियो को देख लीजिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। और इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके प्रोसेस दिए गए हैं, एग्जाम्पल लिया है, इसको सॉल्व भी करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रोसेस उसका क्या है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो क्या है, एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स। मतलब सबसे पहले हम ये एनालाइज करेंगे कि जो ट्रांजेक्शन है उसमें कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। ठीक, अब वो वेरिएबल कौन से हो सकते हैं, एसेट्स हो सकता है, लाइबिलिटीज हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, ये वेरिएबल है। फिर दूसरा क्या है प्रोसेस, डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरिएबल्स। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि उस ट्रांजेक्शन से जो हमने वेरिएबल एनालाइज किया है उस वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज कर रहा होगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रेलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। फिर उसको हम रेलेवेंट साइड में रिकॉर्ड, रेलेवेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसका मतलब क्या है कि एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा कि लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटी मतलब कैपिटल या लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम लेंगे तो उस ट्रांजेक्शन में हमें एनालाइज करने का काम करना है। ठीक, कोई रूल नहीं ले रहे हैं हम, सिंपल सा ट्रांजेक्शन लेंगे और ट्रांजेक्शन पे हम अपने सेंस को यूज करके ये पता करेंगे कि इस पे कौन सा वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, बाकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपने पढ़ रखा है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म में किसको क्या बोलते हैं, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, वो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल में पहला, अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले हमें ऊपर लिखना होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। हम इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रांजेक्शन नंबर या सीरियल नंबर लिखेंगे, ट्रांजेक्शंस जो एग्जाम्पल में हमने ट्रांजेक्शन लिया है इसको लिखने के लिए, एसेट्स इज इक्वल टू फंडामेंटल में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बताया था, लेकिन पहले कैपिटल और बाद में लाइबिलिटी लिखा। इसका रीज़न ये है कि कैपिटल सिर्फ एक होता है लेकिन लाइबिलिटी एक से ज़्यादा हो सकती है, तो लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें कॉपी में स्पेस मिले इसलिए हमने लाइबिलिटी को बाद में लिखा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, पहला ट्रांजेक्शन हमारा है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। अब देखो भाई, इस ट्रांजेक्शन में आप ये डिसाइड करो कि कौन कौन सा वेरिएबल आ रहा है, एनालाइज करो, और साथ में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अभी देख लो प्लेन है, मतलब कुछ नहीं, ना तो एसेट्स हमारे पास है जीरो, ना कैपिटल है जीरो, लाइबिलिटी भी नहीं है, मतलब जीरो। तो अब क्या हुआ यहां पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, किससे स्टार्ट किया, कैश से स्टार्ट किया। तो जब बिजनेस कैश से स्टार्ट किया, बिजनेस में कुछ नहीं है तो कैश आएगा, एक वेरिएबल मिला कैश, और जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं चाहे वो कैश हो या एसेट्स हो, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। दूसरा वेरिएबल क्या मिला, कैपिटल मिला, दो वेरिएबल मिले। अब देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो जब अभी तक कुछ नहीं है और बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश से, तो बिजनेस को कैश हमने दिया ना, तो कैश क्या हुआ यहाँ पे, बढ़ा। कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, कैश है, बैंक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, लैंड प्लांट मशीनरी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी हो बिजनेस की वो क्या है, एसेट्स है। तो यहाँ पे कैश नहीं है तो कैश हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रेलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन, जिधर इफेक्ट पड़े उधर आप लिखते भी चलिए। तो कैश लिख लिया, अब देखो दूसरा वेरिएबल क्या है, कैपिटल। कैपिटल लिखा हुआ ऑलरेडी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, तो दोनों इंक्रीज हुआ, कैसे, अभी कैपिटल भी जीरो था, कैश भी जीरो है, इन्वेस्ट किया तो दोनों में पैसा बढ़ा। ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे,
प्लस कर लेंगे, कितना 50,000, कैपिटल में भी 50,000, दोनों बढ़ेगा, प्लस हुआ। लाइबिलिटी नहीं है तो हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे। अब दूसरा ट्रांजेक्शन लेंगे और दूसरा ट्रांजेक्शन दिया है ओपेंड अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 4,500। बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया। अब देखो दो वेरिएबल है, एक तो कैश एसेट्स, दोनों एक ही वेरिएबल है, एसेट्स का पार्ट है, ठीक है, एक वेरिएबल का पार्ट है कैश और दूसरा बैंक। बैंक में भी जो पैसा डिपॉजिट है वो हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए वो भी एसेट्स है, वेरिएबल तो सिर्फ एसेट्स है, लेकिन दो है इसमें, एक एसेट्स का कैश और दूसरा बैंक। अब दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, भाई आपकी जेब में 2,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो जेब में तो आपके 1,000 बचा, लेकिन बैंक में जो भी बैलेंस रहा होगा उससे 1,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, डिपॉजिट किया। यहाँ पे बैंक नहीं है, नहीं है तो लिख लेंगे सिंपल सा, तो बैंक लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पहले ट्रांजेक्शन के टाइम कुछ नहीं बैलेंस था तो जीरो, अब अगर हमने कैश डिपॉजिट किया तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, माइनस कर देंगे, और बैंक क्या होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा, इसलिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पे ट्रांजेक्शन लिखेंगे हम ओपेंड अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 4,500। तो कैश देखो कम हुआ तो कैश से क्या करेंगे, माइनस, और बैंक में बैलेंस बढ़ा तो बैंक में क्या करेंगे, प्लस। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो, और जैसे ही दो ट्रांजेक्शन होगा हम उसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और फाइंड कर लेंगे न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन आ गया। ये कितना जाएगा, 45,500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 50,000 प्लस जीरो। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। ठीक, तो एसेट्स क्या होगा, लायबिलिटी के बराबर होगा। ये लायबिलिटी साइड क्या, इंक्लूडिंग कैपिटल, ये लायबिलिटी साइड है। देखो कितना है, 45,500 प्लस 4,500 50,000, और इधर भी 50,000 बराबर है। अब तीसरे ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, तो तीसरा ट्रांजेक्शन हमारा क्या दिया है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 1,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया। अब देखो वेरिएबल क्या है यहां पे, गुड्स और कैश दोनों एसेट्स हैं, वेरिएबल एसेट्स है, उसमें दो पार्ट, एक गुड्स और एक क्या है, कैश। ठीक, दो वेरिएबल मिले, गुड्स कैश एसेट्स का, ठीक है। अब देखो इस पे इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। गुड्स आप खरीद रहे हो तो पैसा आपको देना होगा, पैसा आपका जा रहा है, कैश कम हो रहा है, गुड्स आप ला रहे हो तो गुड्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, तो यहां पे कैश आपका डिक्रीज हुआ, कैश होगा माइनस, कैश क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अब यहां पे बैंक पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और स्टॉक आपके पास पहले से था नहीं, तो पहले जितना था उतना लिख लो, पहले तो आपके पास जीरो था ना, कुछ नहीं था, अब आपने खरीदा है तो आपका स्टॉक हो गया इंक्रीज, यानी प्लस हो गया। स्टॉक हम गुड्स के लिए ही यूज करते हैं, ठीक, स्टॉक क्या होता है, गुड्स हेल्ड फॉर सेल, मतलब जो गुड्स हमने सेल के लिए रखा है उसी को हम बोलते हैं स्टॉक, खरीदे हैं बेचने के लिए ही ना, तो वो स्टॉक में आएगा। कैपिटल पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं, तो जीरो हो जाएगा। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन, क्या हो गया, न्यू इक्वेशन। ठीक, कितना, ये 44,500 प्लस 4,500 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 50,000, ऐड कर लेंगे इसको, प्लस जीरो।
अब देखिए फोर्थ पे जाएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने फिर ऐड कर लिया सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के बाद, क्योंकि एक इक्वेशन दिया था एक आ गया तो हमने दो मिल गया, बस अब हम जोड़ लेंगे। तो अब फोर्थ देखिए क्या दिया है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रुपीज 5000। 5000 में क्रेडिट पे खरीदा मतलब उधार में खरीदा। ट्रांजेक्शन लिख ले फिर एक्सप्लेन करते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 5000। अब देखो वेरिएबल यहां पे एक आया गुड्स, गुड्स खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट मतलब उधार, उधार खरीदा तो पैसा हमें बाद में देना पड़ेगा, वो क्या हो गई हमारी लाइबिलिटी, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस क्या होता है लाइबिलिटी होती है। तो दो वेरिएबल, एक आ गया हमारा कैश और दूसरा सॉरी गुड्स, और दूसरा क्या आ गया हमारा लाइबिलिटी, क्रेडिटर जिसको बोलेंगे उधार में जिससे खरीदा वो कौन है, क्रेडिटर है। ठीक है तो अब देखो दोनों इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। भाई गुड्स खरीदे, खरीदने पे गुड्स बढ़ता है, बड़ा इंक्रीज हुआ प्लस होगा स्टॉक में। दूसरा लाइबिलिटी अभी आपको कितनी दिख रही थी, जीरो, लेकिन अब आप 5000 रुपये उधार हो गए, आपको पैसा देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। जैसे किसी दुकान पे उधार आप सामान खरीदते हो, रेगुलर सामान खरीदते हो तो उसके यहाँ से आपका अच्छा जो है रिलेशन बना हुआ है, तो अभी तक आपने उधार नहीं किया तो वो आपके नाम का अकाउंट अगर होगा, बनाया भी होगा तो ज़ीरो लिखा होगा, लेकिन अब अगर आप उधार खरीद लाए तो ज़ीरो से क्या होगा, बढ़ा देगा। मान लो 1000 रुपये को उधार खरीदे तो 1000 रुपये आपके अकाउंट में चढ़ा देगा, मतलब लाइबिलिटी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैश में नो इफेक्ट, बैंक में नो इफेक्ट, स्टॉक इंक्रीज होगा क्योंकि परचेज किया प्लस, कैपिटल पे नो इफेक्ट, लेकिन लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई तो इसमें 5000 आएगा और इस लाइबिलिटी को हम एक नाम देंगे जो बोला जाएगा क्रेडिटर्स। नाम होता है ना सबका, टर्म होता है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर कौन है, जिससे हम उधार में सामान खरीदते, तो इसलिए उसका लिख दिया नाम हमने क्रेडिटर। ठीक, अब अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे फिफ्थ। अच्छा ये दो हो गया तो दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे, तो ये मिल जाएगा हमको न्यू इक्वेशन 44,500 प्लस 4,500 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 5,000। अब इसके बाद अगला क्या है हमारे पास, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 1,500। तो फिफ्थ, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 1,500। अब देखो यहां पे हमने गुड्स को सेल किया कैश के लिए, मतलब गुड्स जाएगा पैसा आएगा, गुड्स भी एसेट्स और कैश भी एसेट्स। अब देखो इसमें बढ़ेगा क्या और घटेगा क्या, तो गुड्स आप बेचोगे तो कम होगा ना आपके पास, जो चीज आप बेच दोगे वो तो कम हो जाएगी, लेकिन उसके बदले आपके पास पैसा आ रहा है तो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या करेंगे इसको हम कैश में प्लस करेंगे 1,500, बैंक में नो इफेक्ट, स्टॉक हमारा जाएगा क्योंकि हमने बेचा है, और इज इक्वल टू कैपिटल पे नो इफेक्ट, लाइबिलिटी पे नो इफेक्ट, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, ये मिल जाएगा हमको न्यू इक्वेशन, क्या मिलेगा, न्यू इक्वेशन मिलेगा। अब इसको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 46,000 प्लस 4,500 प्लस ये कितना बचेगा यहाँ पे 4,500 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 5,000। अब इसको आप जोड़ के देख लो कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 46,000 प्लस 4,500 कितना हो जाएगा 50,500 प्लस 500 51,000 और 4 55,000 50 प्लस 5 55,000। फिर इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, सिक्स ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 1000 कॉस्टिंग रुपीज 800 कॉस्ट दे रखा है। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पड़ा, ये तीन जगह इफेक्ट पड़ेगा, एक तो गुड्स सेल किया गुड्स कम होगा, कैश में सेल किया
पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा। और 800 का गुड्स हमने कितने में सेल किया, 1000 में, तो 200 रुपीस का प्रॉफिट दिख रहा है हमको, है ना। तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं। तो एक ये वेरिएबल मिल गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे, कितना 1000, बैंक में नो इफेक्ट, स्टॉक से सिर्फ 800 माइनस होगा। अभी आप पूछोगे सर इसके पहले वाले में तो आपने पूरा 1500 माइनस किया था, तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कॉस्ट नहीं पता था, यहाँ पे कॉस्ट पता है। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कोई भी अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बुक में तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं उस एसेट्स को, तो जब हम बेचेंगे तो भी तो कॉस्ट ही माइनस करेंगे। कि 1000 रुपये का गुड्स है तो 1200 रुपये थोड़े माइनस कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा माइनस कर दें, जितने का गुड्स बेच रहे उतना ही तो गुड्स से माइनस होगा। तो यहाँ पे इसीलिए 800 माइनस हुआ, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल में जुड़ेगा, रेवेन्यू है हमारा, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान देना कि हमने आपको बताया था फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में कि जब भी आपको कहीं प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, तो आप कैपिटल में जोड़ोगे, और कहीं पे लॉस मिलेगा तो कैपिटल से आप उसे माइनस करोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे लास्ट था ये, इसलिए इसको हम नाम देंगे फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई इक्वेशन हम बना नहीं रहे हैं। अब ये कितना हो गया, 47000 हो गया, प्लस 4500 हो गया, प्लस 800 माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, है ना, 800 माइनस होगा तो 3700 हो जाएगा, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 50200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 55200। इधर आया, इधर भी आना चाहिए, 47000 प्लस 4500 कितना हो जाएगा, 51500, 3 कितना हो जाएगा, 54500, और 7 55200। तो ये हमारा टोटल आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सा, जिसमें प्रोसेस हमने जाना, ठीक है, एक एग्जांपल लेके कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है वो हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन की बैलेंस शीट कैसे हम बनाते हैं, इसकी बैलेंस शीट भी बनती है, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। थैंक यू।